लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश करते वक्त वित्त मंत्री का दावा, दुनिया की विकास दर से भारत बहुत आगे, काबू में महंगाई बेरोजगारी भी घटी। मोदी 3.0 में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की जीडीपी को लेकर किया गया जिक्र, जिसमें देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5 से 7% तक है। मौजूदा वित्त वर्ष में महंगाई दर के 4.5% रहने का जताया गया अनुमान, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में महंगाई दर 4.1% रहने का अनुमान। सर्वे के मुताबिक देश में कोरोना महामारी के बाद तेजी से रिकवरी की, वित्त वर्ष 2024 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 2020 की तुलना में 20% तक बढ़ी। आर्थिक सर्वे में सर्विसेज सेक्टर को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर बताया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के चलते कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तेजी से हो रहा विकास। सर्वे के मुताबिक कंस्ट्रक्शन सेक्टर के रोजगार असंगठित है, साथ ही वेतन होता है कम, ऐसे में कृषि छोड़ रहे लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर की जरूरत। सर्वे में लोन को लेकर किया गया जिक्र, पिछले एक दशक में बैड लोन के चलते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कम रोजगार, वित्त वर्ष 2021-22 में इस सेक्टर में रोजगार के बढ़े अवसर। 2024 में विदेश में बसे भारतीयों ने 124 अरब डॉलर भारत भेजे, 2025 में इसके 129 अरब डॉलर तक पहुंचने का लगाया गया अनुमान। अर्थव्यवस्था को हर साल नौकरियों की जरूरत, आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया 2030 तक हर साल 78.5 लाख नौकरियां लाने की जरूरत। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में 6.5 से 7% ग्रोथ रेट का अनुमान। मुख्य आर्थिक सलाहकार का बयान, भारत में हर साल 80 लाख रोजगार पैदा करने की जरूरत। सब्सिडी के बावजूद कृषि नीतियों में बदलाव की जरूरत, मुख्य आर्थिक सलाहकार की अहम टिप्पणी। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर बोले पीएम मोदी, सरकार द्वारा लाए सुधारों के परिणाम को दर्शाता है। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, संसद में केंद्र सरकार ने नियमों का दिया हवाला। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, विशेष राज्य के दर्जे का प्रयास जारी रहेगा, बिहार में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिलेगा, आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा जब लालू कांग्रेस की गोद में बैठे थे तब क्यों नहीं दिलवाया विशेष राज्य का दर्जा।